मान लो आपको पेशेंट रजिस्टर करना है, जिसका इन्वेस्टिगेशन लीवर फंक्शन टेस्ट है, पेशेंट रजिस्टर हो गया है, इस पेशेंट के लिए अदर टेस्ट रिजल्ट फॉर्म खोलें, टेस्ट के रिजल्ट लिखें, यहां आप देख सकते हैं कि बिलीरुबिन इनडायरेक्ट टेस्ट के टेस्ट रिजल्ट की गणना अपने आप हो गई है। आप जानना चाहते हैं कि कैसे बिलीरुबिन इनडायरेक्ट टेस्ट के टेस्ट रिजल्ट की गणना अपने आप हो गई है। आपकी जानकारी के लिए, बिलीरुबिन इनडायरेक्ट टेस्ट के टेस्ट रिजल्ट की गणना अपने आप हो गई है क्योंकि इस बिलीरुबिन इनडायरेक्ट टेस्ट पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। अदर टेस्ट रिजल्ट फॉर्म बंद करें। मेंटेनेंस मेनू के फॉर्मूला एडिटर सब मेनू पर क्लिक करें। फॉर्मूला एडिटर फॉर्म खुल गया है। यहां आप देख सकते हैं कि बिलीरुबिन इनडायरेक्ट टेस्ट पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला एडिटर फॉर्म बंद करें। इस पेशेंट के लिए अदर टेस्ट रिजल्ट फॉर्म वापस से खोलें। मान लो आप बिलीरुबिन टोटल टेस्ट का नाम बदलना चाहते हैं। आप टेस्ट के नाम से हाइफन हटाना चाहते हैं। बिलीरुबिन टोटल टेस्ट का नाम बदलें। बिलीरुबिन टोटल टेस्ट का नाम बदल गया है। टेस्ट के रिजल्ट लिखें। यहां बिलीरुबिन इनडायरेक्ट टेस्ट में अपने आप टेस्ट रिजल्ट नहीं आ रहा है और आप बिलीरुबिन इनडायरेक्ट टेस्ट की टेस्ट रिजल्ट सेल में कुछ भी लिखने में असमर्थ हैं। आप पहले ही देख चुके हैं कि बिलीरुबिन इनडायरेक्ट टेस्ट पर फार्मूला लिखा हुआ है और फार्मूला में भाग लेने वाले टेस्ट बिलीरुबिन टोटल और बिलीरुबिन डायरेक्ट हैं। जब आप बिलीरुबिन इनडायरेक्ट टेस्ट की टेस्ट रिजल्ट सेल में क्लिक करते हैं तब फार्मूला की गणना होती है। यहां बिलीरुबिन इनडायरेक्ट टेस्ट का
गणना किया हुआ टेस्ट रिजल्ट खाली है? इस कठिनाई के तीन कारण हो सकते हैं। पहला, फार्मूला में भाग लेने वाले टेस्ट का टेस्ट रिजल्ट नहीं लिखा गया है। दूसरा, फार्मूला में भाग लेने वाले टेस्ट का टेस्ट रिजल्ट अंकों वाला नहीं है। तीसरा, फार्मूला में भाग लेने वाले टेस्ट नहीं मिल रहे हैं। इस घटना में कठिनाई का स्रोत तीसरा कारण है। जैसा कि आप जानते हैं, फार्मूला में भाग लेने वाले टेस्ट बिलीरुबिन टोटल और बिलीरुबिन डायरेक्ट हैं। फार्मूला बिलीरुबिन टोटल टेस्ट के टेस्ट रिजल्ट को खोजने में असमर्थ है। यहां कोई भी टेस्ट बिलीरुबिन टोटल नाम से उपस्थित नहीं है, क्योंकि बिलीरुबिन टोटल टेस्ट का नाम हाइफन बिना बिलीरुबिन टोटल में बदल गया है और आप हाइफन बिना बिलीरुबिन टोटल टेस्ट का टेस्ट रिजल्ट लिख रहे हैं। इसलिए फार्मूला में भाग लेने वाले टेस्ट का नाम बदलने के बाद आपको फार्मूला भी बदलना होगा। अदर टेस्ट रिजल्ट फॉर्म बंद करें। फार्मूला एडिटर फॉर्म खोलें। यहां वही फॉर्मूला सिलेक्ट किया हुआ है। फॉर्मूला बदलने के लिए एडिट बटन पर क्लिक करें। यहां फॉर्मूला टेक्स्ट बॉक्स में आपको बिलीरुबिन टोटल टेस्ट का नाम हाइफन बिना बिलीरुबिन टोटल करना होगा। बदलने के बाद पार्स फार्मूला बटन पर क्लिक करें। अब सेव बटन पर क्लिक करें। फार्मूला एडिटर फॉर्म बंद करें। इस पेशेंट के लिए अदर टेस्ट रिजल्ट फॉर्म खोलें। टेस्ट के रिजल्ट लिखें। अब यहां बिलीरुबिन इनडायरेक्ट टेस्ट में अपने आप टेस्ट रिजल्ट की गणना हो गई है। मान लो आपको इस पेशेंट के लिए लिपिड प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन जोड़ना है। टेस्ट के रिजल्ट को सेव करें। अदर टेस्ट रिजल्ट फॉर्म बंद करें। इस पेशेंट के लिए लिपिड प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन जोड़ें।
इस पेशेंट के लिए अदर टेस्ट रिजल्ट फॉर्म खोलें। एडिट बटन पर क्लिक करें और लिपिड प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन के टेस्ट के टेस्ट रिजल्ट लिखें। यहां आप देख सकते हैं कि एलडीएल भागित एचडीएल टेस्ट का टेस्ट रिजल्ट अपने आप आ गया है। इसका मतलब है कि एलडीएल भागित एचडीएल टेस्ट पर फार्मूला लिखा हुआ है। मान लो आप एलडीएल भागित एचडीएल टेस्ट का टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट में नहीं दिखाते हैं, अदर टेस्ट रिजल्ट फॉर्म बंद करें। फॉर्मूला एडिटर फॉर्म खोलें। एलडीएल भागित एचडीएल टेस्ट के फॉर्मूला को खोजें। फिर इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करें, इस फॉर्मूला को डिलीट करें। फॉर्मूला एडिटर फॉर्म बंद करें। इस पेशेंट के लिए अदर टेस्ट रिजल्ट फॉर्म खोलें। एडिट बटन पर क्लिक करें और लिपिड प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन के टेस्ट रिजल्ट लिखें। अब आप यहां देख सकते हैं कि एलडीएल भागित एचडीएल टेस्ट का टेस्ट रिजल्ट अपने आप नहीं आया है। मान लो आपको इस पेशेंट के लिए ऑस्मोलेलिटी इन्वेस्टिगेशन जोड़ना है। टेस्ट के रिजल्ट को सेव करें, अदर टेस्ट रिजल्ट फॉर्म बंद करें। इस पेशेंट के लिए ऑस्मोलेलिटी इन्वेस्टिगेशन जोड़ें। इस पेशेंट के लिए अदर टेस्ट रिजल्ट फॉर्म खोलें। मान लो आपको इस सीरम ऑस्मोलेलिटी इन्वेस्टिगेशन के टेस्ट का फॉर्मेट पसंद नहीं आया है, अदर टेस्ट रिजल्ट फॉर्म बंद करें। मान लो आप नया ऑस्मोलेलिटी इन्वेस्टिगेशन टाइटल टेस्ट के साथ बायोकेमिस्ट्री ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं,
ऑस्मोलेलिटी टाइटल और उसके टेस्ट जोड़ें। इस पेशेंट के लिए इस नए ऑस्मोलेलिटी टाइटल को जोड़ें। और पहले से उपस्थित सीरम ऑस्मोलेलिटी टाइटल को इस पेशेंट से हटाएं।
इस पेशेंट के लिए अदर टेस्ट रिजल्ट फॉर्म खोलें। एडिट बटन पर क्लिक करें और ऑस्मोलैलिटी इन्वेस्टिगेशन के टेस्ट के टेस्ट रिजल्ट लिखें। आप जानते हैं कि सीरम ऑस्मोलैलिटी गणना वाला टेस्ट है। सीरम ऑस्मोलैलिटी टेस्ट के टेस्ट रिजल्ट की गणना समीकरण के आधार पर होती है। सीरम ऑस्मोलैलिटी बराबर 2 गुणा सीरम सोडियम धन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भागित 2.8 धन ब्लड शुगर भागित 18। अलग से गणना करने के बाद सीरम ऑस्मोलैलिटी टेस्ट का टेस्ट रिजल्ट 310 आया है। मान लो अलग से गणना करने के स्थान पर आप अपने आप गणना के लिए सीरम ऑस्मोलैलिटी टेस्ट पर फार्मूला लिखना चाहते हैं। अदर टेस्ट रिजल्ट फॉर्म बंद करें, फार्मूला एडिटर फॉर्म खोलें, नया फॉर्मूला जोड़ने के लिए एड न्यू बटन पर क्लिक करें। बाएं तरफ के ट्री व्यू में बायोकेमिस्ट्री ग्रुप के ऑस्मोलैलिटी टाइटल को सिलेक्ट करें, फिर ऑस्मोलैलिटी टाइटल को फैलाएं। यहां आप ऑस्मोलैलिटी टाइटल के टेस्ट के नाम देख सकते हैं। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सहायक है तो इस प्रीव्यू में टेस्ट के नाम को सेलेक्ट करें और खींचें। उसके बाद आउटपुट फील्ड एवं फार्मूला टेक्स्ट बॉक्स में छोड़ें। अन्यथा हाथ और कीपैड की सहायता से टेस्ट के नाम लिखें और ट्रीव्यू से टेस्ट के नाम उनकी स्पेलिंग शब्दों के बीच की जगह सत्यापित करें। आउटपुट फील्ड टेक्स्ट बॉक्स में सीरम ऑस्मोलैलिटी लिखें। फार्मूला टेक्स्ट बॉक्स में फार्मूला लिखें। यहां फार्मूला में भाग लेने वाले टेस्ट के नाम घुंघराले कोष्टक के अंदर लिखें। इसलिए फार्मूला लिखते वक्त इन घुंघराले कोष्टक का उपयोग किसी गणितीय काम के लिए ना करें। गणितीय काम के लिए गोलाकार कोष्टक का उपयोग करें।
फार्मूला लिखने के बाद पार्स फार्मूला बटन पर क्लिक करें, फिर सेव बटन पर क्लिक करें। फार्मूला एडिटर फॉर्म बंद करें। इस पेशेंट के लिए अदर टेस्ट रिजल्ट फॉर्म खोलें। एडिट बटन पर क्लिक करें और ऑस्मोलेलिटी इन्वेस्टिगेशन के टेस्ट के टेस्ट रिजल्ट लिखें। आप यहां देख सकते हैं कि सीरम ऑस्मोलेलिटी टेस्ट के टेस्ट रिजल्ट की गणना अपने आप हो गई है।